बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाता हूँ आपके लिए दिलचस्प और तारीखी मालूमात। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। जलाली। जलाली एक बाज़ाब्ता मुसलमान सिलसिला जिसकी बुनियाद बहाउल हक मुल्तान के सहरवर्दी बुज़ुर्ग के मरीद सैयद जलालुद्दीन बखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, जिसका मज़ार बहावलपुर में उच्च के मुकाम पर है। ये उस्ताद खुद तो शरई शरीयत का बड़ा पाबंद था, लेकिन इसके पैरोकार जो खुद को जलाली कहते हैं कई एतबार से मुखरफीन हैं और नमाज की बहुत कम पाबंदी करते हैं। नए चेले को सिलसिले में शमूलियत अख्तियार करते वक्त चेहरे और सर के बाल मूंढना पड़ते हैं। वो अपने तमाम कपड़े जलाता है और दाएं कंधे पर दाग लगवाता है। हम्बली। हम्बली सुन्नी मुसलमानों के चार बड़े मकातबे फ़िक्र में से एक है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल 780-885 को सन हिजरी में जिनका दौर दौरा रहा को मानते हैं और सिर्फ बगदाद के नवा तक ही महदूद हैं। मरदमशुमारी की रिपोर्टों में किसी ने भी अपना अंदराज बतौर हम्बली नहीं करवाया। जदीद अहल हदीस एक हद तक इस फ़िका के पैरोकार हैं। हनफिया। सुन्नी मुसलमानों के चार बड़े मकातबे फ़िक्र हैं। इनमें से एक इमाम अबू हनीफा, जिसका दौर 699 से 769 तक का है, के पैरोकार हैं, जिन्होंने इज्तिहाद की इजाज़त दी। शमाली हिंद के सुन्नियों ने हनफियों का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। वो अपने बानी को इमाम आज़म कहते हैं। हमने इन अफराद का हनफी शुमार किया जिन्होंने अपना अंदराज इमाम आज़म के पैरोकारों के तौर पर करवाया।